नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सुंदरियाल यूसर्क साइंस स्टूडियो से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम इस स्टूडियो के माध्यम से उत्तराखंड की कृषि के बारे में विस्तार से आप लोगों को जानकारी देंगे। उसमें क्या क्या अभी चैलेंजेस हैं और क्या उसमें कितने हम उसमें इंटरवेंशंस कर सकते हैं, उसके बारे में हमारे मध्य में यहाँ पे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष नौटियाल जी मौजूद हैं। वो आपको विस्तार से जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में 80% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, जिनकी जो कि हमारी जीविकोपार्जन का मुख्य संसाधन है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कृषि की दशा हमारी काफ़ी बिगड़ गई है, जिसके कारण कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पहाड़ों से गांव से जितनी भी जनसंख्या का पलायन हो गया है। तो हम कैसे इस पलायन को रोक सकते हैं और कृषि को हम कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं, इस सब के बारे में डॉक्टर सुभाष नौटियाल जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। मैं सर आपका यहाँ पे स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप कृषि के बारे में और क्या चैलेंजेस हैं और कैसे हम उनमें सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में आप यहाँ जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद डॉक्टर मंजू, आपने मुझे यहाँ पर ये अवसर दिया कि मैं थोड़ा सा जो मेरा अनुभव है पिछले 30 से 40 सालों का उत्तराखंड कृषि के बारे में, उसके बारे में बच्चों को लोगों को बता सकूं और ये हाईलाइट कर सकूं कि क्या मुख्य चैलेंजेस इस समय कृषि में हैं, क्यों लोग गांवों को छोड़कर नीचे प्लेन्स में और दूसरी जगह जा रहे हैं, कैसे हम कृषि को उन्नत बना सकते हैं, कैसे इसको रोजगार का साधन बना सकते हैं, इस विषय पे मैं विस्तार से आज चर्चा करना चाहूँगा। आज हम उत्तराखंड एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देंगे बच्चों को और सभी लोगों को जो इसमें जानना चाहते हैं इसके बारे में। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड हमारा 27वां स्टेट है इंडिया का, और जो कि लैंड ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्टेट में ये जो बनी थी, ये उत्तर प्रदेश से कट के अलग हमारा उत्तराखंड स्टेट बना था 9 नवंबर 2000 को, और इसका नाम पहले उत्तरांचल रखा गया, बाद में 2007 में उत्तराखंड, जो कि हमारा ट्रेडिशनल उत्तराखंड के नाम से ये रीजन जाना जाता है, इसलिए इसका नाम उत्तराखंड 2007 में रखा गया। ये जो है इसमें नेचर प्राकृतिक जो प्राकृतिक ब्यूटी है वो बहुत ही सुंदर है। पहाड़ हैं, नदी हैं, जंगल हैं, ये बहुत ही प्राकृतिक रूप से और गॉड्स का, ईश्वरों का जो है ये घर है, देवभूमि से कहते हैं, ये इसकी विशेषता है। हिमालय में ये स्थित है और गंगा यमुना का ये घर है, इसलिए ये प्रदेश जो है इस तरह से एक विशेष इसका दर्जा है। हमारा जो कृषि भूमि है वो बहुत ही कम है, पूरी जो हमारी 7,41,000 जो हेक्टर लैंड है उसमें से केवल 14% जो है, सॉरी 7,41,000 जो लाख हेक्टेयर जो टोटल कृषि भूमि है वो कुल क्षेत्रफल का 14% है। मतलब केवल 14% भूमि में ही हम खेती कर रहे हैं, बाकी सब जंगल है या खाली पहाड़ है। हमारे पास अनइरिगेटेड जो लैंड है वो ज़्यादा है, पहाड़ों में तो ज़्यादातर भूमि अनइरिगेटेड है और प्लेन्स में जो एरिया है उसमें काफ़ी एरिया में खेती होती है, इसलिए लगभग 45% जो कृषि भूमि है वो इरिगेटेड है, जबकि पहाड़ों पर तो बहुत ही कम जो है वो इरिगेशन है, केवल जहाँ जहाँ
गाढ़ गधेरे हैं या नदियों के किनारे हैं, वहीं हमारे पास इरिगेशन है, बाकी ज़्यादातर पहाड़ अनइरिगेटेड हैं। इसमें से जो अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर है वो मोस्टली अनफर्टाइल है और अनप्रोडक्टिव है। कुछ हमारी विकट समस्याएं हैं एग्रीकल्चर या कृषि से संबंधित। इसमें सबसे पहला आता है हमारा स्कैटर्ड लैंड यूज सिस्टम, स्मॉल होल्डिंग, बहुत कम जमीन किसानों के पास है और जो लैंड यूज है वो छितरा हुआ है, मतलब एक खेत यहाँ है, एक दूसरा और कहीं है, तीसरा और कहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है आज लोगों के पास, अगर आप किसानों के पास जाएं और पूछें कि आप कृषि क्यों छोड़ रहे हैं, तो आपको यही जवाब मिलेगा कि यहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा आतंक है, जिसमें से बंदर और सुअर, जंगली सुअर, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे पहाड़ों में इनकी जनसंख्या हो गई है। मैं कह सकता हूँ कि ये कैरिंग कैपेसिटी, जो एक साइंटिफिक टर्म है, उससे कई ज़्यादा हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि किसान जो खेती में मेहनत कर रहे हैं उनको फसल पकने पे या फसल से कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये जो जंगली जानवर हैं ये उनको उनकी फसल को तहस नहस कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। इसलिए किसान के पास निराशा के अलावा कुछ उसको हाथ नहीं आता है। ज़्यादातर अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर है और बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी है। कुछ जो है जंगली घासें, इन्वेसिव स्पीसीज जो हम कहते हैं, वो इंक्रोच कर रही हैं, और मार्केट जो हमारे लिंकेज हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही बुरी अवस्था में हैं। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं जिनका हम एक एक करके विस्तार में डिस्कस करेंगे, वो कृषि में हमारे कृषि से संबंधित हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि क्यों जो है हमारा जो यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, जो यंग हमारी जनरेशन है, वो वहाँ पर क्यों नहीं रुकना चाहती, क्यों वहाँ पर वो जो है रुक के और अपना जो एग्रीकल्चर है उसमें काम करना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि जो हमारा लंबा अनुभव इस क्षेत्र में काम करने का रहा है वो यही बताता है कि पहले ज़्यादातर लोग गांव में ही रहते थे और सारे के सारे खेती करते थे, तो सारी खेती आबाद रहती थी और सारे लोग मिलजुल करके जो ये समस्याएं हैं इनका समाधान करते थे। आज क्या हो रहा है, आज के मॉडर्न युग में हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, चूँकि टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अब पूरी दुनिया की खबरें रहती हैं, और हर एक का जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है, जो पैसे की आर्थिक रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ गई है। इससे क्या हो रहा है कि पहाड़ों में हर किसान, चाहे वो कितना ही मेहनत करे, वो अपने खेत से 10 या 15 हज़ार से ज़्यादा का अनाज नहीं पैदा कर सकता, जबकि वही किसान अगर प्लेन्स में या दूसरी जगह जाके दूसरा छोटा मोटा कार्य या जॉब भी करता है तो उसको 6 से 7 हज़ार रुपये पर मंथ की आमदनी उसकी हो जाती है, जो कि साल में 60 से 70 हज़ार रुपये हो जाती है, जबकि खेत में उसका पूरा परिवार, किसान, हल बैल सभी अगर काम करते हैं, उसके बच्चे भी उसमें लगे रहते हैं, तब भी वो 8 से 10 हज़ार या मुश्किल से 15 हज़ार, अगर उसकी बहुत अच्छी खेती है तो 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा की आमदनी उसकी नहीं हो सकती है। इतना पैसा सफिशिएंट नहीं होता है उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, और उसकी जो है कपड़े लत्ते, नमक तेल के लिए। तो अल्टीमेटली किसानों को ये होता है कि हम बाहर जाएं और बाहर जा कर के जॉब करें, कुछ और, चाहे मजदूरी हो, पर उसमें शाम को उनको 300 या 400 रुपये मजदूरी के मिल सकते हैं, मिल जाते हैं, और उसमें उनकी उनको ज़्यादा वो अट्रैक्टिव और ल्यूक्रेटिव लगता है।
हमारे पास सबसे बड़ी कमी हमारी जो है वो है स्कैटर्ड लैंड यूज सिस्टम। हमारे पास चकबंदी नहीं है। हमारा पड़ोसी प्रदेश जो हिमाचल है उसमें सरकार ने सबसे पहले, वो भी पहाड़ी इलाका है और उसमें भी हमारी तरह की कठिनाइयां हैं, लेकिन वहाँ की सरकार ने सबसे पहले चकबंदी जो सिस्टम है उसको चालू किया, उसको इम्प्लांट किया। उससे क्या हुआ कि किसान जो है जब पूरे के पूरे खेत उसके एक जगह हो गए, उसके बीच में उसने अपना घर बनाया वहीं पर, और चारों तरफ बाड़ की, उसकी देख रेख की, और फिर उसने जो डाइवर्स एग्रीकल्चर है उसको अपनाया, माने उसमें उसने जो है एग्रीकल्चर भी किया, फलदार पेड़ भी लगाए, और उसमें उसने दालें भी उगाई, आलू भी उगाए, मेडिसिनल प्लांट्स भी उगाए, और तमाम चीज़ें जो है पोल्ट्री गोट्री गाय भी उसने, डेयरी का काम भी किया। तो डाइवर्स एग्रीकल्चर को फॉलो करने से ऑफ सीजन वेजिटेबल्स भी उगाए, तो उससे क्या हुआ कि उसको किसान को जो है कंपाउंडिंग लैंड यूज सिस्टम से कई तरह के फायदे हुए, और वो अपनी ज़मीन की देख रेख बड़े ढंग से और सुसज्जित रूप में कर पाया। इससे क्या हुआ कि किसान को की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई, उसको कैश क्रॉप्स उसने लगाई, फलों को बेचने से, सब्जियों को बेचने से उसे अच्छी इनकम हुई, दूध बेचने से, डेयरी में चाहे उसकी एक ही गाय हो, अच्छी किस्म की गाय उसके पास है वो उसने जो है पाली और डोमेस्टिकेट की। तो इस तरह से मिलजुल के खाली खेती न करके खेती को एक उद्योग के रूप में किसान ने अपनाया और वहाँ का किसान जो है सरसब्ज हुआ। आज हमारे प्रदेश में ये अगर कमी हमारी सरकार इसको पूरा कर दे, चकबंदी सिस्टम को लागू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर गांव के किसान गांव में ही रहना चाहेंगे और उनकी आमदनी अच्छी हो पाएगी। ये जो दूसरी समस्या आज वाइल्ड एनिमल्स की है, क्योंकि हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट है, कई एक्ट्स हैं जिनकी वजह से आप किसी भी जानवर को मार नहीं सकते हैं, उसको खाली भगा सकते हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे बंदर हैं, कुछ रिलीजियस हमारा अटैचमेंट भी है, भाई हनुमान जी के हम सब लोग भक्त हैं, तो प्रैक्टिकली ये जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, आपने अखबारों में भी देखा होगा, आसपास के प्रदेश वाले भी बंदरों को पकड़ पकड़ के उत्तराखंड में छोड़ देते हैं। तो इससे जो एक कैरिंग कैपेसिटी हमारी बंदरों की या किसी भी जानवर को रखने की है, उससे कई ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन हो गई है, और उसकी वजह से दोनों चीज़ें हैं, एक तो किसान खेत छोड़ रहे हैं, तो उससे जो बचे खुचे खेत हैं उस पर प्रेशर जो है वाइल्ड एनिमल्स का ज़्यादा हो गया है, और दूसरा ये है किसान हताश हो जाता है जब उसकी पूरी फसल जानवर नष्ट कर देते हैं, तो वो फिर हताश होके वो फिर नौकरी की तरफ भागता है। तो बंदरों को कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक स्टरलाइजेशन प्लान चलाया है, पर ये कितना सक्सेसफुल होगा और कितना समय इसमें लगेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले ज़माने में या बहुत पहले के टाइम में जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, उससे पहले हमारे देश से या हमारे प्रदेश से काफ़ी बंदर एक्सपोर्ट किए जाते थे, बाहर उनको भेजा जाता था उनके विभिन्न उपयोगों के लिए, परंतु चंद्रशेखर जी के टाइम से इस एनिमल पे बैन लग गया एक्सपोर्ट का, और अब ये हमारे देश में आप सब समझते हैं कि ये खेतों में ही नहीं घरों में भी कितना नुकसान कर रहे हैं ये आप समझ रहे हैं। वाइल्ड बोर जो है वो उसकी तादाद भी बहुत बढ़ गई है, इसके नेचुरल प्रे अब कम हो गए हैं, जो टाइगर्स वगैरह थे जो कि इसको जो जिनका कि ये भोजन था वो भी कम होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको मारने की सुना है परमिशन दे रहा है, लेकिन उसमें भी कई जो है वो टेक्निकल असुविधाएं हैं,
पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप उसको जो है शूट कर सकते हैं खेत में। और कईयों के पास बंदूक नहीं है, बंदूकें नहीं है, गन्स नहीं है, और अगर गन है भी तो बिना परमिशन के आप उसको नहीं मार सकते। इस तरह की कई समस्याएं हैं जिसको कि सरकारी तौर पर हैंडल किया जाना है, और कुछ ऐसी पॉलिसीज बने जिसमें कि बंदरों को कैप्चर करके जहां भी बाहर जो है उनको भेजा जाए या कैप्टिविटी में रखा जाए, ताकि ये खेतों को ज़्यादा नुकसान न करें। नीचे जो हमारा तराई वाला एरिया है, इसमें नीलगाय का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, किसान बड़े परेशान हैं। तो ये जो वाइल्ड एनिमल और मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी खेती को में किसानों का की अरुचि होने का, और इसको पॉलिसी लेवल पे इस चीज़ का हैंडल होना है, और किसानों को फ्रीडम जो है इसमें दी जानी होगी कि जो वो वाइल्ड बोल वगैरह हैं इनको पकड़ सकें, इनको मार सकें, या इनको और दूसरी तरीके से कंट्रोल कर सकें। कुछ एक फसलें हैं जैसे भिंडी है, उसको जानवर नहीं खाता, करेले को जानवर नहीं खाता, सेम को जानवर ये जो है मंकीज नहीं खाते। तो ये जो हैं बंदर, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको पसंद नहीं करते हैं, तो अगर उसको बढ़ावा दिया जाए तो शायद मैं समझता हूँ कि इनको इससे कृषि को कुछ जो है बढ़ावा दिया जा सकता है। इस तरह की अनुसंधान की आवश्यकता है कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको कि बंदर नहीं खाते हैं या नुकसान नहीं करते हैं, तो उसको लगाया जा सकता है। एक जो बड़ा सवाल आज पैदा होता है वो है हमारे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की। हम अगर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खाने भर तक सीमित रहता है। अगर हम इसको उद्योग के रूप में या कैश क्रॉप के रूप में लगाते हैं तो हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है और हमको फायदा हो सकता है। देखिए, जो पहले हम मंडुवे को कुछ नहीं समझते थे, वही मंडुवा आज जो है गेहूं के आटे से ज़्यादा महंगा मंडुवे का आटा बिक रहा है, और जापान वगैरह कई देश हैं जो इसको मंगा रहे हैं, क्योंकि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, और इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो अन्य फसलों में नहीं होते हैं, इसलिए इसके आज विदेशों में ज़्यादा मांग है, और हम तो इसको अब खाना पसंद करते ही हैं क्योंकि हमारी फूड हैबिट में भी है। और इसके अलावा जैसे झंगोरा है, झंगोरे को अब जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो इसको खा रहे हैं। राजमा हमारी जो है वो बहुत फेमस है ऊपर वाले इलाकों की, और काफ़ी अच्छा पैसा इसमें लोगों को मिलता है। एक रेड राइस है, जो लाल चावल हम इसको कहते हैं, इधर मोरी जरमोला पुरोला वाले इलाके में किसान इसको बहुत बोते हैं, और ये 250 रुपये किलो के हिसाब से लोग इसे खरीद रहे हैं और ये बाहर भेज रहे हैं। ये राइस बहुत मीठा है और बहुत यूनिक इसका टेस्ट है, और इसमें कुछ विशेष इंग्रेडिएंट हैं जिसकी वजह से इसकी मांग नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। कुलत हम लोग उगाएं, क्योंकि कुलत जो गहत हम जिसको कहते हैं, ये हर आदमी जानता है कि इसका किडनी स्टोन में इसका बड़ा भारी ट्रीटमेंट में रोल है। ये किडनी स्टोन को निकाल देता है, और इसका साग भी, इसकी जो दाल है वो बड़ी टेस्टी होती है, इसकी भरी रोटियां बनाते हैं पहाड़ों में, और सब लोग इसे पसंद करते हैं। इसी तरह से और कई फसलें हैं, जैसे आलू का है, तुमड़ी आलू जो पहाड़ी आलू है वो प्लेन के आलू से लगभग 1.5 गुना या 2 गुना ज़्यादा बिकता है। तो इस तरह से कुछ हमें कैश क्रॉप्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑफ सीजन वेजिटेबल्स का बड़ा अच्छा जो है पहाड़ों में उत्पादन हो रहा है, और इसको और बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि ऑफ सीजन वेजिटेबल्स में हम प्लेन वालों से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ऑफ सीजन वेजिटेबल्स में हमारे
कीमतें किसानों को बहुत अच्छी मिलती हैं। और माउंटेन्स में रहने का फायदा ये है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे पास पहाड़ों में हैं, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमको प्लेन्स में नहीं मिल सकती। और उसी का फायदा जो सब्जियां मैदानों में गर्मियों में होती हैं या जाड़ों में होती हैं, वो हम गर्मियों में वहाँ उगा सकते हैं। मटर हमारा जो है वो गर्मियों में जब मटर नहीं मिलती है तो शहरों में जो है वो 150 से 200 रुपए KG तक वो होटलों में सप्लाई हो जाता है। इस तरह से कैबेज है, बंद गोभी है और टमाटर हैं, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो कि किसान वहाँ पर उगा सकते हैं। और हिमाचल की तरह हमारा प्रदेश भी ऑफ सीजन वेजिटेबल में बहुत अच्छी कमाई कर सकता है। एक नया कंसेप्ट अब आ रहा है, कई देश इसको फॉलो कर रहे हैं, वो है इंटेंसिव कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। और इसमें ये है कि बजाय छितरे हुए अलग-अलग एफर्ट किए जाएं, किसान सब मिलजुल करके एक कम्युनिटी के रूप में खेती करें, सारी जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो जमीन की रिसोर्स हो, पानी की रिसोर्स हो, खाद हो, या मैन पावर की बात हो, या हाई यील्डिंग वैराइटीज लगाने की बात हो, वो जो है एक जगह इकट्ठा होके इंटेंसिव एग्रीकल्चर अगर हम करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, कम से कम जमीन में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे और उसका जो है प्रॉपर मार्केटिंग होगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उगाने से मार्केटिंग की दिक्कत हो जाती है। और उसमें जो भी कम्युनिटी, जैसे अगर कोई इलाका राजमा के लिए प्रसिद्ध है तो सारे किसान राजमा ही लगाएं, या आलू के लिए प्रसिद्ध है तो सारा किसान जो है आलू ही लगाए, या और अन्य दालें हैं जिसमें कि हमें अच्छा पैसा मिल रहा है, उसको सारे किसान इंटेंसिव मिलजुल के सब कम्युनिटी के फॉर्म में उसको करें और उसका जो है मार्केटिंग हो प्रॉपर, और बेनिफिट शेयरिंग, जिसका जितना शेयर है, जितना उसने काम किया है, जितना उसकी लैंड है, जितना वाटर है, रिसोर्सेज के हिसाब से वो बेनिफिट शेयरिंग अगर हो जाए तो इस तरह का एग्रीकल्चर भी गांवों में हम लोग कर सकते हैं और किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात अब आ रही है प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर की, क्योंकि हमारी जो समस्या है वो ये है कि हमारे पास लिमिटेड लैंड होल्डिंग है, कम लैंड होल्डिंग है, और वाइल्ड एनिमल्स का, डिजीजेस का, पेस्ट का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन जो है वो है। तो कैसे हम कम से कम जमीन में, कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम ले सकें, साल भर उत्पादन ले सकें, और हमारी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हो, विकसित हो, इसके लिए हमें ये जो प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर का कंसेप्ट आ रहा है इस पे जाना होगा, और हमारी सरकार को प्रमोट करना चाहिए, कर भी रही हैं, पहाड़ों में विशेष तरह से ये जो पॉली हाउसेस के अंदर एग्रीकल्चर हो रहा है, फ्लोरिकल्चर हो रहा है, और जो सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि इंटेंसिवली एक छोटे से पॉली हाउस को एक किसान या उसका परिवार आसानी से मेंटेन कर सकता है, रख रखाव उसका कर सकता है, उसके जो फ्रूट्स हैं या जो वेजिटेबल्स हैं उनको हार्वेस्ट कर सकता है, मार्केट कर सकता है, और उसमें कम से कम उसको जो है वो नुकसान होगा वाइल्ड एनिमल्स वगैरह का, या बीमारियों को वो कंट्रोल कर सकता है, पेस्ट उसमें कम आएगा। तो इस तरह की जो ये प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर की बात आज हो रही है वो उसको बढ़ावा हम पहाड़ों पे दे सकते हैं। और जैसे आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि कैसे पॉली हाउसेस के अंदर कम से कम पानी में, कम से कम जमीन में आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद ले सकते हैं। एक जो अब मार्केटिंग नेटवर्क की बात आ रही है उसमें मैं यहाँ पर हिमाचल का उदाहरण देना चाहूँगा। हिमाचल में मैं
89 में मैं जब ICAR में था तो NBPGR की तरफ से मैं वहाँ पर लाहौल स्पीति में टूर पे गया था और मैंने देखा कि जो हिमाचल प्रदेश की उनकी अपनी कुल्लू में जो किसानों की एक सोसाइटी है, वो लोग जितने भी लाहौल स्पीति के गांव हैं उनकी पूरी एक सोसाइटी है, हेडक्वार्टर उनका कुल्लू में रखा हुआ है और वो पूरे लाहौल स्पीति में उनके सुबह जो है वो ट्रक्स जाते हैं, हर गांव में ट्रक जाता है वो सोसाइटी का, वो वहाँ से किसान का जितना भी उत्पाद है चाहे वो 1 किलो हो, चाहे 10 किलो हो, चाहे 20 किलो हो, वो लाके अपना मोटर हेड पे आ जाता है और सोसाइटी के लोग उनका उत्पाद तोल के उसको ले लेते हैं, चाहे वो मटर है, चाहे गोभी है, चाहे आलू है, चाहे जो भी उत्पाद उन्होंने पैदा किया है उसको प्रतिदिन सुबह 10-11 बजे वो मोटर हेड पे ले आते हैं और उनको तोल के वो ट्रक में रख देते हैं और उनको एक पर्ची मिल जाती है सोसाइटी की तरफ से कि आज आपका इतना मटेरियल जो है, इतना आपका मटर या इतना आलू या इतना कैबेज जो है वो भी आपका हमने लिया। इसी तरह से पूरा कलेक्शन गांव का और पूरे गांवों का इंटायर वैली में वो कलेक्शन होके ट्रकों में जो है वो शाम को कुल्लू पहुंच जाता है। कुल्लू में उसकी ग्रेडिंग होती है, उसको अलग अलग ट्रकों में रखा जाता है और वहाँ पर से जो है पूरे देश में वो नेट इंटरनेट से और टेलीफोन से जुड़े रहते हैं, वो मंडी में पता करते रहते हैं उनके जो लोग हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा भाव है। उसके बाद रात को वो ट्रक उसी मंडी में, चाहे वो दिल्ली हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या देहरादून हो या सहारनपुर हो, वहाँ की मंडियों में वो सुबह ट्रक वहाँ चले जाते हैं रात को ही और सुबह वो मंडी में उसका निस्तारण, उसकी बिक्री हो जाती है और तीसरे दिन किसान के खाते में जिस जिस का जितना मटेरियल था पर केजी के हिसाब से जितना भी पैसा मिला उनके खातों में चला जाता है। तो इस तरह का जो कोऑपरेटिव सिस्टम है, जो किसानों की सोसाइटी का जो सिस्टम है और जो मार्केटिंग का उनका नेटवर्क है, वो अगर हमारे प्रदेश में भी लगाया जाए, लागू हो जाए और किसान इसमें आगे बढ़ें और काम करें, तो मैं समझता हूँ कि खेती बाड़ी को एक उद्योग के रूप में ज़रूर हम विकसित कर सकेंगे। फिर सपोर्ट प्राइस की बात है, सपोर्ट प्राइस भी किसानों को मिलना चाहिए कम से कम, जैसे कि हम लोग आजकल माल्टे खूब उगा रहे हैं पहाड़ों में लेकिन उसका सपोर्ट प्राइस मिलता ही नहीं है। उसमें ये होता है कि किसान जो है वो मजबूरन जब उसकी फसल तैयार है या आलू है एक्स्ट्रा है नहीं मिल रहा है, इकोनॉमी उसको नहीं मिल रही, तो जिस भी थौड़ों में प्राइस पे उसे देना पड़ता है क्योंकि हमारे पास संरक्षण की भी जो है वहाँ पर सुविधा नहीं है, कोल्ड स्टोरेज प्रॉपर नहीं है, तो वो किसान को जो है बहुत ही कम कीमत पर अपना सामान देना पड़ता है। तो अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दे तो किसान को ये रहेगा कि भाई इतना मेरा उत्पाद है, इसमें इतना पैसा तो मुझे मिल ही जाएगा। तो इस तरह के, हालांकि मैं समझता हूँ कि सरकारी तौर पर भी इस तरह के सपोर्ट प्राइजेस कुछ फसलों के लिए हुए हैं, पर इसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और क्रॉप इंश्योरेंस वाली बात जो हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, वो भी हमारे प्रदेश में गांव-गांव तक लागू करना उसको एक ज़रूरी सा स्टेप हो गया है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। दूसरी बात आ रही है आज मैकेनाइजेशन की, हालांकि जो नीचे वाले जो मैदानी इलाके हैं उसमें अब ट्रैक्टर आ गया है और भी इक्विपमेंट्स, थ्रेसर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं और ग्रेडिंग की मशीनें हैं, स्टोरेज की फैसिलिटीज़ हैं, वो सब नीचे मैदानी इलाकों में है। हमारे पहाड़ी इलाकों में हमको उस एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करना पड़ेगा क्योंकि मैन पावर बड़ी लिमिटेड है, इकोनॉमी भी हमको देखनी है। हल बैल जो है वो से जुताई करने में एक तो बहुत ज़्यादा एरिया हम कवर नहीं कर पाते हैं, दूसरा वो जो है अब चूँकि लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है तो हल बैल जो है अनप्रोडक्टिव से माने जाने लग गए हैं,
तो अगर हम वहाँ की खेती को मैकेनाइज कर दें, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं लड़की जो है वो पावर टिलर चला रही है, प्लॉइंग छोटे छोटे खेतों के लिए। अब वैज्ञानिकों ने छोटे हल जो है ये टिलर्स डेवलप कर दिए हैं, और एक आदमी इसमें जो है कितना भी हल जो है वो कितनी भी खेती को जोत सकता है, और बड़ा अच्छे से जो है पहाड़ों में इसको ले जाया जा सकता है। और दूसरी इसी तरह से रुपाई की मशीनें हैं, निलाई गुड़ाई की मशीनें हैं, हार्वेस्टर्स हैं और थ्रेसर्स हैं। अगर हम इन सब चीज़ों से अगर वो चीज़ें वहाँ भी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस प्रॉपर हों तो हम अपनी खेती का उत्पाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या है वो इरिगेशन की है, वाटर इकोनॉमी की है। हम जनरली गोल से जहाँ जहाँ भी नीचे वैलीज में पानी है गोल से इरिगेशन करते हैं, जिसमें कि काफ़ी पानी हमारा जाहिर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और हमको प्रॉपर पहाड़ों पे कम से कम इरिगेशन का साधन हमारे पास नहीं होता है। तो हम कैसे वाटर इकोनॉमी करें, कैसे पानी का मैक्सिमम यूज़ करें, क्योंकि आप बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मार्केट में आज अवेलेबल हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन आ गया है, स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया है, और जो हमारे नेचुरल स्प्रिंग्स हमारे पास बहुत हैं। सवाल ये है कि वो जो धारे हमारे लगातार बहते रहते हैं और वो गधेरे में चले जाते हैं, क्योंकि जब आपने पानी भरा तब ठीक है, बाकी समय वो ऐसे ही बहता चला जाता है। तो हम कैसे छोटे छोटे टैंक्स बना के और उन उन जो हमारे नेचुरल स्प्रिंग्स हैं, धारे हैं या नौले हैं, उनका पानी कैसे कंजर्व करके उसको स्टोर करके और फिर उसको उपयोग में ला सकते हैं, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। आज पॉलीथीन टैंक हैं, सीमेंट के टैंक बना सकते हैं, प्लास्टिक के बहुत अच्छे अच्छे सस्ते दामों पे टैंक्स आ रहे हैं। इसको वाटर इकोनॉमी और वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसको अगर हम लोग बढ़ावा दें तो हम काफ़ी वेजिटेबल्स का के मामले में स्पेशली हम इसका उपयोग कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हमारे यहाँ सबसे बड़ी पहाड़ों पे पानी तो खूब बरसता है, लेकिन वो सब बह के नीचे निकल जाता है, क्योंकि हमारे पास स्लोप्स हैं, चेक डैम्स भी इतने ज़्यादा हम बना नहीं पा रहे हैं। तो कैसे जो है छोटे छोटे टैंक्स बना के और किसी तरह से हम थोड़ा बहुत भी अगर पानी हर किसान स्टोर करे तो इसका हम फायदा उठा सकते हैं। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं इसको हमें ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। मल्चिंग जो है जैसे की जा सकती है, हमारे जो बागवानी है उसमें जब हम पेड़ लगाते हैं, पानी अगर गर्मियों में दिया तो उसके ऊपर अगर हम घास भूस सूखे घास की थावलों में मल्चिंग कर दें तो जो वाष्पीकरण पानी का होता है वो स्लो हो जाएगा और जो नमी है वो सॉयल की ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहेगी। तो जो इस तरह के जो वैज्ञानिक इंटरवेंशंस हैं, साइंटिफिक इंटरवेंशंस, उनको अगर हम फॉलो करें तो बहुत कुछ हम पानी को का इकोनॉमिक यूज़ कर सकते हैं। देखिए पानी के बिना तो फसलों का बढ़ावा बड़ा मुश्किल है, तो पानी तो बहुत ही एक आवश्यक आवश्यकता है कृषि की, और उसको कैसे हम उपयोग में लाएं मैक्सिमम वो एक देखने की चीज़ है, और इस पे वार फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। ये जैसे हम दिखा रहे हैं कि अगर आपने ट्यूबवेल लगाया है प्लेन्स में, तो ट्यूबवेल में से जो हम इरिगेशन करते हैं फ्लडिंग उसको कहते हैं, वो वाला ज़्यादा इकोनॉमिक नहीं होता है, पर जहाँ पर है पानी की उपलब्धता है वहाँ पर फ्लडिंग कर सकते हैं, पर जहाँ पर नहीं है वहाँ पर ये टैंक्स हम बना सकते हैं और हम जो है स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं ये जो आप ये सब्जी वाली जो मिर्चा है, शिमला मिर्च हम इसको कहते हैं, इसको कैसे ड्रिप इरिगेशन से हम इसको इरिगेट कर रहे हैं, और जो हमारी
कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर है उसमें ड्रिप इरिगेशन बहुत फायदेमंद होता है। इसमें चाहे फूल लगा रहे हों चाहे सब्जियां लगा रहे हों, ड्रिप इरिगेशन के पेड़ पौधे की जड़ पे बूंद बूंद करके पानी गिरता है और जितना पौधे को पानी चाहिए हम उतना ही पानी छोड़ते हैं, तो इसलिए पानी का वाष्पीकरण रुक जाता है और मैक्सिमम पानी पौधा यूटिलाइज करता है। तो इस तरह के टैंक्स बना के भी हम वाटर स्टोर कर सकते हैं और उसमें साइड में जो है मछलियाँ भी पाल सकते हैं, तो किसान को एक तो पानी इरिगेशन के लिए मिलेगा ही, साथ में मछलियाँ भी जो है वो मिल पाएंगी, तो उसे बेच भी सकता है और अपने घर के लिए भी कंजप्शन के लिए होगा। कुछ जो है वो इंटरवेंशंस हैं जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है। आज आप देखेंगे कि जहाँ पर जैसे फिर मैं यहाँ पर हिमाचल का उदाहरण देना चाहूँगा, वहाँ पर लोगों ने जो है वो जो कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया था लाहौल स्पीति वाला, कुछ जैन के ने भी जो है वो अपना ये जो कारगिल और लेह वाला एरिया है उसमें अब खुमानी और सेब का बड़े बड़े प्लांटेशन लगाए हैं और उनके वो जो फ्रूट्स हैं वो ड्राई करते हैं और ड्राई फ्रूट्स के रूप में आज आपको खुमानी बाजार में मिल सकती है। ऐसे ही कई स्टेट्स हैं जिन्होंने फिक्स जो है हमारे तिमले, हम जिनको कहते हैं फाइकस, उसको सुखा के और वो ड्राई फ्रूट के रूप में मार्केट में मिल रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर हम कैश क्रॉप के रूप में उगाएं और ड्राइंग सिस्टम हम अपना बनाएं, जैसे ये चित्र में भी देख रहे हैं आप, सन ड्राइंग से जो है ये भुट्टे सुखाए जा रहे हैं। पहाड़ों में जो है वो चूंकि मॉइस्चर भी कई जगह ज़्यादा होता है तो सुखाने की प्रॉब्लम होती है, तो हम किस तरह से छोटी छोटी इंटरवेंशन करके और ड्राई करके चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं और कुछ वैल्यू ऐड उसमें करके फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में बेच सकते हैं। तो इस एरिया में भी काफ़ी काम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजीज जो है इस एरिया में डेवलप की हैं और पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी हैं उनको इंटरवेंशन से हम काफ़ी अपनी फसलें या उत्पाद बचा सकते हैं, ज़्यादा समय तक उनको फ्रेश रख सकते हैं, ज़्यादा समय तक उनको उपयोगी रख सकते हैं। तो इस एरिया में भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, किसानों तक जो है लोग जाएं और ये टेक्नोलॉजीज लैब टू लैंड जो एक्सटेंशन पार्ट है एग्रीकल्चर का वो स्ट्रांग हो और लोगों को ये चीज़ें बताई जाएं और जो वहाँ का इंडिजिनस जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज हैं उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। आप ये देख रहे हैं कि पॉली हाउस जो है उसको ड्राइंग एरिया कैसे उसमें जो है चीज़ें सुखाई जा रही हैं, इवन ग्रीन जो वेजिटेबल है विंटर्स के लिए पहाड़ों में स्टोर करते हैं तो उसको जो है पॉली हाउस में, चूँकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो चीज़ें जल्दी सूखती हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे इंटरवेंशन करने की कृषि में ज़रूरत है। ये जो है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स उगाने की जहाँ तक बात है वो हम इस काम में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं किसान हमारे, क्योंकि जो पौधे बहुत महंगे हैं, जो भी मेडिसिनल प्लांट्स बहुत महंगे हैं, वो ज़्यादातर हाई एलिवेशन पे होते हैं और वो एलिवेशन प्लेन्स में नहीं है, तो प्लेन्स से हम डिफरेंट हैं और उस डिफरेंस का वो जो हमारे पास एल्टीट्यूड है या वो जो क्लाइमेट है या वो जो टोपोग्राफी है उसका फ़ायदा हम मेडिसिनल प्लांट्स को एरोमेटिक प्लांट्स को उगाने में कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का ये है कि हमारे पास बाई बैक मार्केटिंग सिस्टम नहीं है मेडिसिनल प्लांट का अभी, न ही हम किसानों को प्लांटिंग मटेरियल मुहैया कराते हैं। और होता यह है कि ये सारे प्लांट्स जो किसान उगा रहे हैं वो जो है कंजर्वेशन एक्ट में आते हैं, तो जो अगर किसान उगाता भी है वो ट्रांसपोर्टेशन में अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे जेल हो जाती है, वो बंद हो जाता है, उसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से लाए, जंगल से लाए, फलाना किया, तो
इस तरह की जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट है या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ये जो प्रोटेक्टिव स्पीसीज है, इनका अगर किसान कल्टीवेशन करता है तो उसके खेत पे ही खरीदने की जो है सरकार की तरफ से इंतजाम होना चाहिए, अदरवाइज हम इसको प्रमोट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो बॉटलनेक्स हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। और वो पॉलिसी मेटर की कमियां हैं। जैसे देखिए, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, ससुरिया लापा है। ससुरिया लापा जो कुत है वो उत्तराखंड में वाइल्ड में होता ही नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये वाइल्ड में है ही नहीं, हिमाचल और उत्तरांचल में सारा कल्टिवेटेड है। लेकिन इस पे भी जो है वो कई हमारे पास, जब मैं FRI में था तो हमारे पास कई सैंपल आते थे बायोपायरेसी के। जो भी किसान उसको खेत में उगा के बेचने के लिए ले जा रहा है, रास्ते में पुलिस या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसे पकड़ लिया और वो सैंपल वहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाता था कि ये क्या है और ये प्रोटेक्टिव स्पीसी है या नहीं है। मेरा कहना ये है कि जब वो जंगल में नहीं है तो, और वो कल्टीवेशन में है, तो फिर उस पे बैन क्यों लगाया जा रहा है? फिर उसको ज़रूरत क्या है पकड़ने की? किसान को एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि ये जो है इसका कल्टीवेटेड जो है वो स्पीसीज है। तो इस तरह के कई केसेस हैं जिसमें हम किसानों को तभी मेडिसिनल प्लांट प्रोपोगेट करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए प्रमोट कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे, जब हमारी पॉलिसीज इसके अनुकूल होंगी और हम किसानों को अच्छा पैसा उनके खेत पे ही बाई बैक करके वहीं पर दे दें। क्योंकि किसान डरता है, वो खड़ी बावड़ी तक, दिल्ली तक नहीं पहुंचा पाता अपना मटेरियल, वो रास्ते में ही जो है वो कई बार पकड़ा जाता है और ये डर सा उसको बना रहता है कि यार कहीं मैंने एग्रीकल्चर लैंड में अपनी जो है मेडिसिनल प्लांट लगाए, बाद में जो है वो भेषक संघ वाले या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले या और विभाग वाले आके मुझे पकड़ लेंगे। तो वो फियर जो है वो हटाने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग मटेरियल, अच्छी क्वालिटी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मेडिसिनल प्लांट्स का किसानों को उपलब्ध कराने वाली बात होनी चाहिए। तो इसमें भी हम बहुत अच्छा पैसा किसानों को कमाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमको, चूंकि हमारे पास माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में हम हॉर्टिकल्चर को काफ़ी बढ़ावा दे सकते हैं और कुछ जगह पे हॉर्टिकल्चर हमारा बढ़ भी रहा है। उसकी जो मैंने पहले भी कहा है कि चकबंदी सिस्टम अगर हमारे यहाँ लागू हो जाता है तो हम हॉर्टिकल्चर को डेफिनेटली बढ़ावा दे सकते हैं। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तरह ही हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा सेब होता है, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे प्लम्स चेरीज हो सकते हैं, हमारे यहाँ भी टेम्परेट फ्रूट्स के अलावा सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, बशर्ते कि हम उसको जो है एक ब्लॉक प्लांटिंग के रूप में लें। ये नहीं कि एक आध पेड़ लगा दिया बस तो उसे खाने भर के लिए हो सकता है। अगर पूरा हमारा काफ़ी बड़ा एरिया अगर एक ही फ्रूट क्रॉप के अंदर रहेगा तो तब हमारे पास काफ़ी क्वांटिटी में बेचने के लिए वो फ्रूट हो पाएगा। तो इसको, इसका बढ़ावा हम दे सकते हैं। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर है जो कि बहुत अब ऊपर आ रहा है, लेकिन सरकार जो है इस पे सब्सिडी भी खूब दे रही है। ये जो पॉली हाउसेस बन रहे हैं और इसमें आज किसान जो है जरबेरा है, ग्लैडुलाज है, रोजेज है और बहुत सारे कार्नेशंस हैं आपके, और बहुत सारी आजकल बढ़िया बढ़िया फूलों की स्पीसीज आ रही हैं, प्रजातियां जो खूब अच्छा पैसा दे रही हैं। पर इसमें मार्केटिंग नेटवर्क की ज़रूरत है और किसानों को पहाड़ों में भी ये सब चीज़ें देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नीचे प्लेन में है वो तो किसान इस सब्सिडी का फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग जो है अपने बड़े बड़े एरियाज में ये जो पॉली हाउसेज लगा रहे हैं, उस तरह के किसानी जो है वो और उद्योग जो है बढ़ावा देने की, पहाड़ों पे भी इसकी
स्ट्रेस देने की जरूरत है। और जहाँ तक फॉरेस्टी की बात है, फॉरेस्टी तो मैक्सिमम एरिया हमारा फॉरेस्ट का है, पर उसमें लिमिटेशंस ये है हमारी कि हम पेड़ अगर लगाते हैं तो उसको काट नहीं सकते, काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए। तो वो जो फॉरेस्टी में वो जो लैकुना अभी हमारा है, जिसकी वजह से हम फॉरेस्टी को प्रॉपर प्रमोशन नहीं दे पा रहे हैं, वो उस पर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर कट होनी चाहिए। और किसान को जो ट्रांजिट परमिट है वो बहुत आसानी से मुहैया होना चाहिए। देखिए फॉरेस्टी में ऐसा है, हमारे पास कई अब हाई फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज हैं, मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज हैं, मेडिसिनल ट्रीज हैं जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं, जैसे हरड़ बहेड़ा है, आंवला है, बेल है, आपका कई फाइकस की स्पीसीज हैं जो बहुत अच्छा फ्रूट यील्ड करती हैं, जामुन है और मोरा सेल्वा जो सहतूत है, ये तो मैं इसको कल्प वृक्ष कहूँगा, ये ऐसी स्पीसीज है जिसके की डाइवर्स यूजेज हैं। ये बहुत अच्छा फॉडर है, बहुत अच्छा फ्यूल वुड है, सीरीकल्चर में आदमी इससे पैसे कमा सकता है, फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं जिससे जैम जेली बनाई जा सकती है, बच्चे इसको खा सकते हैं, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स खाती हैं, इसकी चाय बनती है आजकल, मलबरी टी के नाम से फेमस है इसकी चाय, इसके पत्तों का जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योर बहुत अच्छा जो है वो कंपोस्ट बनती है, बहुत फास्ट ग्रोइंग है। और यही एक ऐसी प्रजाति है जो सी शोर से लेके और कश्मीर तक, मतलब लोएस्ट एलिवेशन से और हाईएस्ट एलिवेशन तक उगती है, बहुत वाइड इसका अडेप्टेशन पोटेंशियल है। तो ऐसी स्पीसीज को अगर हम ब्लॉक प्लांटेशन में प्रमोट करें तो गांवों में निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। अभी आप देखिए कि इवन गांवों में कई जगह जो है वो डेड बॉडीज क्रीमेशन के लिए हमें सफिशेंट लकड़ी नहीं मिलती है, क्योंकि जंगल से आप पेड़ काट नहीं सकते हैं, और इतना लकड़ी घाटों पे जो है जहाँ पर सरकारी सुविधा इस तरह की नहीं दी गई है वहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारे पास अभी भी फ्यूल वुड जो है वो 4-5-6 रुपए किलो बिक रहा है आराम से, और कई प्रजातियाँ जैसे मैं कहूँगा मिलिया आजादीरक बकैन है जैसे, बहुत फास्ट ग्रोइंग है, और हम अगर इसको लगाएं तो किसान जो है अपने खेतों में इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई घास पानी की ज़रूरत नहीं है, बस लगाना है और काटना है, तो 5-6 साल में एक पेड़ से 1.5 से 2 हज़ार रुपये किसान कमा सकता है। तो इस तरह की फॉरेस्ट्री को अगर हम बढ़ावा दें तो हम डेफिनेटली किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। जिन्होंने अपने खेत खाली छोड़े हुए हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि वो एक बार जा कर के अपने खेतों में इस तरह के पौधे जो फॉरेस्टी ट्रीज हैं, स्पेशली फॉडर ट्रीज हैं, मल्टीपर्पज ट्रीज हैं, वो प्रजातियाँ लगा दें, फास्ट ग्रोइंग ट्रीज हैं, चाहे वो फ्यूल वुड ही हो, उसकी डिमांड बाजार में बहुत है, तो वो लगा के और फिर उनका ऑक्शन कर दिया जाए और ऑक्शन करके जो है किसान को पैसे दे दिए जाए। तो इस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ तक है वो हमारे प्रदेश में तो बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि वहाँ पर तो हम ज़्यादा यूरिया वगैरह या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते नहीं हैं, हम तो अपना काउडंग मैन्योर जो है हमारी उसी को जो है यूज करते हैं, और जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं डिजीज पेस्ट कंट्रोल की वही हम यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में चूँकि आजकल बहुत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केट में वैल्यू है, लोग ज़्यादा पैसा देकर जो है वो ऑर्गेनिक फूड खरीदना चाहते हैं, तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को, और क्योंकि सर्टिफिकेशन की ज़रूरत इसमें पड़ती है, तो वो सर्टिफाइंग एजेंसीज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग उसका नेटवर्क हो, और जो भी हमारा प्रोड्यूस है वो ऑर्गेनिक है ही है बाय डिफ़ॉल्ट, और उसको जो है अच्छी प्राइजेज उसके हमें मिलें, किसानों को मिलें, तो उसे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को बढ़ावा मिलेगा। जो कुछ मलबरी जो कुछ ट्रीज हमने अभी जैसे मैंने बताया मलबरी के बारे में, ऐसे कई फ्रूट ट्रीज हैं, फाइकस की स्पीसीज हैं जो चारा भी है और फ्रूट्स भी हैं, जैसे हमारे यहाँ बेडू है, तिमला है, खैना है,
ये फ्रूट्स भी हैं और इसके जो है वो घास, लकड़ी घास भी जो है, फॉडर जो है इसका लीफी फॉडर अच्छा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों में ही बड़ी लिमिटेशन है। भीमल है, खड़ीक है, बांज है, ये जो पेड़ की जो फॉलिएज है ये हमारा ग्रीन फॉडर के रूप में यूज होता है, क्योंकि डेयरी डेवलपमेंट के लिए हमको फॉडर चाहिए, और फॉडर हमारा ग्रीन फॉडर केवल बरसात में ही हमारे जानवरों को मिलता है। गर्मियों में और जाड़ों में हमारे पास ग्रीन फॉडर की स्कैर्सिटी है, तो वो जो ग्रीन फॉडर है वो हम चारा पत्ती वाले जो पेड़ हैं हम। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तृत जानकारी से हम लोगों को यहाँ पे रूबरू करवाया। सर ने यहाँ उत्तराखंड की कृषि के बारे में जितना विस्तार से और उसमें कितनी हमारी अपार संभावनाएं हैं और उसमें क्या क्या इंटरवेंशंस हो सकते हैं, कैसे हम यहाँ की कृषि में सुधार कर सकते हैं, सर ने कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसका कि उसमें हमें जानकारी ना हो। सर ने बहुत अच्छे से उसमें हमें जानकारी उपलब्ध कराई। इसमें सर मुझे एक दो छोटी सी क्वेरीज हैं। जैसे कि आपने अपने आज की कृषि के बारे में बताया, तो उसमें आपने बताया कि हम कृषि में जैसे कुछ सुधार करने के लिए हम ऑफ सीजन वेजिटेबल यहाँ पे लगा सकते हैं या फूलों की खेती हम कर सकते हैं और कुछ जैसे ट्रेडिशनल क्रॉप्स भी हम पॉली हाउस के अंदर हम ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे पॉली हाउस का गवर्नमेंट भी कुछ सब्सिडी देती है बनाने के लिए, तो उसको क्या हम गांव वालों को ट्रेन करने के लिए कोई ऐसी संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है कि कैसे पॉली हाउस को बनाना है और उसमें खर्चा कितना आता है, क्या किसान इसको अफोर्ड कर सकता है पॉली हाउस बनाने को? हाँ, ऐसा है कि पॉली हाउस का खर्चा उसके साइज पे डिपेंड करता है। ये जो है, अगर आप उसमें इंडिजिनस मटेरियल लगाते हैं, जैसे पॉलीथीन तो लेनी पड़ेगी, पर इसके अलावा जैसे बांस उसमें यूज हो सकता है, या और लकड़ी यूज हो सकती है अंदर फ्रेम के लिए, लोहे की या पाइप्स जगह जनरली लोग लगाते हैं, पाइप्स की तो जगह उसका खर्चा मेरी समझ से अगर छोटा सा बनाना है तो 50,000 में भी बन सकता है, 1 लाख में भी बन सकता है, और बड़ी यूनिट लगानी है 100 मीटर या उससे अधिक स्क्वायर मीटर, तो वो लगभग 4-5 लाख रुपए तक उसका खर्चा आएगा। उसमें मेरी समझ से गवर्नमेंट की 60-70% के लगभग सब्सिडी है, हो सकता है इससे अधिक भी हो। और गांव में किसान चूंकि छोटे छोटे खेत हैं तो छोटे छोटे पॉली हाउसेस आप बना सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब आपने से, जरूरत अपनी के हिसाब लैंड से के बीज हिसाब दिया। से। हाँ बिल्कुल, अपनी जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे पॉली हाउसेस जी गांव में लगाए जा सकते हैं। और जैसे पंतनगर है, पंतनगर ने कुछ टमाटर की क्लाइंबर वाली वेराइटीज डेवलप की हैं, जो छोटे छोटे गमलों में अगर आप पौधे लगाएं तो एक ही पौधा 20 से 30, जैसा वो क्लेम करते हैं, 20 से 30 किलो टमाटर एक पौधे से निकल आता है। तो 20 से 30 किलो की कीमत अगर 10 रुपए किलो भी रखो तो 200 से 300 रुपए आपको एक पौधे से मिल सकते हैं। तो ऐसे अगर एक छोटे से पॉली हाउस में अगर वो 10 स्क्वायर मीटर का भी है और उसमें आपने 100 गमले भी रखे हैं, तो उसी हिसाब से आपको 20-30 हज़ार रुपये एक छोटे पॉली हाउस से मिल सकते हैं, जिसमें आप आसानी से सिंचाई भी कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी दे सकते हैं, रासायनिक खादें भी दे सकते हैं, तो वो जो है और उसका मैनेजमेंट भी हो सकता है। और सर, एक पॉली हाउस की ड्यूरेबिलिटी जैसे अगर हम बांस का बनाएं लोहे की जगह में, तो कितनी होगी क्या? बांस का, अगर उसमें बांस का ऐसा है कि अगर उसमें पानी नहीं लगता है, अगर मॉइस्चर से आप उसे बचा सकते हैं तो, और वो जो है ऊपर से तो वो पॉलीथीन से कवर रहेगा ही, तो उसको बांस को अगर पेंट वेंट कर दें या प्रॉपर सीजनिंग उसकी और ट्रीटमेंट कर दें तो 20-30 साल तक चल जाता है। हाँ, अदरवाइज अगर उसमें पानी लग रहा है कंटिन्यूस, उसका उसमें मॉइस्चर है, तो 3-4 साल में वो सड़ जाता है, पर 3-4 साल में वो आपको आपकी कीमत जो उसमें लगी है वो निकाल देगा। और पॉलीथीन का भी ऐसा है, अलग अलग गेज के आजकल पॉलीथीन आ रहे हैं, पर 3-4 साल 5 साल तक नॉर्मल पॉलीथीन अच्छी क्वालिटी की चल जाती है, तो 5 साल में तो पॉली हाउस अपने कीमत का कई गुना उठा लेता है, पैसा उठा लेता है।
अच्छा, दूसरा सर ये था कि जैसे अब हम लोग कुछ भी ग्रो कर रहे हैं, कुछ भी इंटरवेंशन कर रहे हैं, ऑफ सीजन वेजिटेबल लगा रहे हैं, तो किसान को सबसे पहले मार्केटिंग की जरूरत होती है, और अगर उसको अच्छा मार्केट प्राप्त नहीं हुआ तो इसीलिए हम लोग किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनको मार्केट नहीं मिलता है, प्रॉपर मार्केट नहीं मिलता है। तो सर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमारे पूरे राज्य में क्या चैनल होना चाहिए मार्केटिंग का, किस तरह किसान को या किस तरह से अप्रोच करनी चाहिए, या हमारे राज्य में क्या ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जो किसान को अपना पूरा उसकी मेहनत का पूरा फल मिल जाए उसको पूरा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि किसान और प्रोडक्शन हमारे यहाँ अच्छा हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बॉटलनेक है वो है आपकी मार्केटिंग। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कृषि को प्रमोट कर सकता है। और मैं मुझे ये लग रहा है कि जैसे हिमाचल प्रदेश ने सोसाइटीज़ बनाई हैं, वहाँ के गांव-गांव ने मिलके आपस में, और आजकल जैसे देखिए छोटी छोटी गाड़ियाँ भी बहुत उपलब्ध हैं, छोटे ट्रैकर टाइप के, ट्रक्स टाइप के, अगर हर गांव वाला दो तीन गांव भी मिलके, चार गांव मिलके एक दो गाड़ियाँ हायर कर लें और प्रोड्यूस डेली का डेली मंडी में आए, डेली वहाँ कलेक्ट हो और मंडी में आए, और फिर उसका जो है बिचौलिया ना रहे, उन्हीं के लोग रहें, जैसे आजकल सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं, ऐसे ही अगर छोटी छोटी किसान लोग अपने समितियां बनाएं और उसके थ्रू अगर मार्केटिंग हो, गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा प्रमोट करे, पर इसमें ज़्यादातर जो अपने गांव के समितियों के रूप में, सोसाइटीज़ के रूप में लोग अगर आगे बढ़ें और आएं और अपना जो है वो चीज़ें, क्योंकि सड़कें अब पहाड़ों में खूब बन गई हैं, तो उसका उपयोग हो, और जितने भी छोटे छोटे सड़कों में भी आजकल जो छोटे ट्रैकर्स हैं या जो जिस तरह की छोटी गाड़ियां भी अब खूब बाजार में हैं, तो वो जो है लोग इसमें आगे आगे पार्टिसिपेट करें, और डेली का डेली किसान का प्रोड्यूस खेत पे ही या उसके घर से ही परचेज कर दिया जाए, तभी जो है इसको किसान खेती को या मार्केटिंग को प्रॉपर बूस्ट मिलेगा। क्योंकि मार्केटिंग नहीं होगी तो वो, अब आप ये देखें कि अगर किसी के पास 20 किलो किसी ने माल्टा उगाया तो वो उसे लेके कहाँ जाएगा, अगर वो लेके भी जाता है पीठ में रख के, अगर वो कहीं 2-3 किलोमीटर दूर छोटे कस्बे में जाता भी है दिन भर, चूँकि उस इलाके में वो फ्रूट ऑलरेडी उन दिनों अवेलेबल है, तो उसको मार्केटिंग अच्छी मिलेगी नहीं। शाम को आप वो क्या करें उस फ्रूट का, वापस घर ले जाए या किसी बनिए को ऐसे ही बहुत ही कम रेट पे उसे दे देंगे, यार अच्छा तू रख, अब तो मुझे तो घर जाना है शाम को, तो वो बड़ी समस्या किसान की है। वो जो है तभी दूर हो सकती है जबकि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिटीज बना के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हो, और निश्चित मंडियों में जहाँ की इसकी मंडियाँ हैं वहाँ वो पहुँच जाए, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि किसानों को जो है वहीं पर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज डेवलप की जाएं, जैसे जूस निकालने की है और फलों को या सब्जियों को ड्राई करने की है, प्रोसेसिंग की है, वैल्यू एडिशन की है, ये छोटी छोटी यूनिट्स अगर लगती हैं जगह जगह, तो उससे भी फिर, क्योंकि जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स माल्टे जो है वो 2 रुपए का भी सीजन में नहीं बिकता, लेकिन वही जब यात्रा चलती है बद्रीनाथ केदारनाथ की, जब गर्मियों में यात्रा चलती है, वही सिट्रस फ्रूट देखना मुश्किल हो जाता है, एक फ्रूट आपको 20 रुपए 50 रुपए का भी नहीं मिलेगा। तो उस तरह की अगर चीज़ें मार्केट में आएँ या व्यवस्था हो, तो मार्केटिंग अगर अच्छी होगी तो किसानों को पैसा मिलेगा, और किसानों को पैसा मिलेगा तभी वो वहाँ पे रुक पाएंगे। तो मार्केटिंग स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सर आखिरी एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे, हमारे यहाँ पे राज्य में कृषि का अधिकतर काम महिलाएं करती हैं, और महिलाएं हर काम, बुआ कटाई से लेके उनका बुआई से लेके सिर्फ हल वाला काम जो है हमारे यहाँ पुरुष करते हैं, और बाकी जो घर का भी काम है सारा, पानी लाना, घर का खाना बनाना, बच्चों को देखना, घास काटना, ये सारा काम वर्क विमेन का ही होता है। तो विमेन का वर्कलोड
किस तरह से कम हो, क्या खेती में कुछ हम इस तरह से इंटरवेंशंस, कुछ तो आपने सजेस्ट किए थे, तो जैसे कुछ लो कॉस्ट अगर इंटरवेंशन जिससे कि उनका वर्कलोड कम हो जाए, उसके लिए कुछ सुझाव दीजिए। ये बड़ी जो है आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। लेडीज का जो है, चूंकि पुरुष जो है या बच्चे जो हमारे यंग यूथ हैं वो तो बाहर चले गए नौकरी के लिए, आप जो हमारी महिलाएं हैं जो मातृशक्ति है वो गांव में है और उस पे पूरा जीवन ही घास लकड़ी और पानी लाने में गुजर जाता है, उसको उनकी ड्रजरी कम करने के लिए ये है कि जैसे मैकेनाइजेशन अगर हम करते हैं एग्रीकल्चर का और घास लकड़ी के लिए प्लांटेशन, हम जैसे लकड़ी के लिए खासकर कुछ स्पीसीज हैं प्रजातियाँ पेड़ों की उनको लगाएं, जैसे मीलिया का ही है, मीलिया अगर खूब लगाया जाए और ये शहतूत खूब लगाया जाए तो इसकी लकड़ी जो है वो लोगों को घर में ही मुहैया हो जाएगी। फिर फॉरेस्ट ट्रीज का जो है वो हमें उनको प्रमोट करना पड़ेगा प्लांटेशन में, और रिंगाल जैसे है, रिंगाल का फॉर्डर भी है और काश्तकार को और सारी चीज़ें भी उससे जुड़ी हुई हैं, तो इस तरह की प्रजातियां जो कि घास और लकड़ी का अगर हमारा घर में ही या घर के आसपास ही ये दो चीज़ें मिल जाएं तो काफ़ी कुछ महिलाओं का जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जो माउंटेन्स की जो पहाड़ों की पुत्रियां हैं, माउंटेन्स डॉटर्स जो हैं, उनकी ड्रेजरी ये दो में ये दो फैक्टर बड़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि यदि शहतूत प्लांट करें और बकेन प्लांट करें तो ये दो पौधे ऐसे हैं जो उनकी घास और लकड़ी की समस्या को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। फिर भीमल है, खड़ीक है, जो इंडिजिनस वैराइटीज हैं जहाँ पर बांझ होता है उसको खूब प्रोपोगेट किया जा सकता है, तिमला फाइकस की बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, टर्मिनेलियाज हैं जो फल भी देते हैं और घास, जैसे टर्मिनेलिया टोमेंटोसा है, सैन है, टर्मिनेलिया चिबुला है, टर्मिनेलिया बेलेरिका है, टर्मिनेलिया अर्जुना है, टर्मिनेलिया मीरियोकार्पा है, इसकी स्पीसीज नीचे सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत अच्छी होती हैं और फॉर्डर बहुत अच्छा है, फ्यूल उड भी इसका अच्छा होता है, तो इस तरह की जो प्रजातियां हैं अगर इनको प्लांट किया जाए तो बिना किसी बाद में देख रेख के एक बार ट्री फॉर्म में ही आ जाए तो बाद में तो आपको हार्वेस्टिंग करना है। तो ये जो दो समस्याएं हैं ये अगर महिलाओं की दूर हो जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो उनकी ड्रेजरी, उनका उनकी परेशानी दूर की जा सकती है। धन्यवाद सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच।